वहीं मोहन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी का अंदरूनी मामला बताते हुए कहा कि सीनियर नेताओं को दरकिनार करने का मुझे दुख है। वहीं जिलाध्यक्षों की बैठक से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आज आगे की रोड मैप को लेकर चर्चा होगी। आगे रखकर चुनाव लड़ा गया और उसको फिर हमारे संगठन के परिवार के लोगों को आज एकत्रित किया है। जो चिंतन होगा, जो समीक्षा होगी, जो आगे का रोड मैप होगा, उसको लेकर लोकसभा की तैयारियों को लेकर एक कांग्रेस पार्टी अपना पहला कदम उठा रही है। मैं मानता हूं आने वाला समय मध्य प्रदेश की जनता का और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि मैं उसके ऊपर कमेंट करूं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे दुख होता है कि बहुत सारे सीनियर लोग हैं, खासतौर से शिवराज चौहान जी, जिनके की आगे रखकर चुनाव लड़ा गया और उसको फिर एक तरह से उनको कोल्ड स्टोरेज साइड में कर दिया। तो ये बात है, जैसे उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आज हम सबों को भी एक तरह से लग रहा है कि क्या होगा।